नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है जेपीएससी की तरफ से। ये खबर आई हुई है, देखते हैं खबर में आगे क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, जेपीएससी मेंस के नतीजे रद्द नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनका मेंस में रिजल्ट निकला है, जिनका लिस्ट में नाम है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेपीएससी का जो मेंस का जो नतीजा है वो रद्द नहीं होगा, ये झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है। देखिए न्यूज़ को आगे पूरा पढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द कर साक्षात्कार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने राहुल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका के प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार द्वारा जारी पहले आदेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि 19 अप्रैल 2017 को सरकार द्वारा जारी आदेश के चलते ही पीटी में पास 5138 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 6103 हो गई। नियमानुसार 15 गुना से 965 अधिक है, इसलिए सरकार ने उस आदेश को रद्द कर देना चाहिए। पिछले दिनों इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के दूसरे आदेश को खारिज कर दिया था। दूसरे आदेश के बाद करीब 34,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने में कई गलतियां हुई है, इसलिए परीक्षा रद्द करनी चाहिए, ये कहा गया था। अब देखिए दोस्तों, कोर्ट के आदेश पर परिणाम आए। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को पीटी के दूसरी बार निकाले गए रिजल्ट के आधार पर ही मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आयोग को परिणाम उन्हीं उम्मीदवारों के आधार पर जारी करना चाहिए जिनके नाम पर पहले रिजल्ट में थे। संशोधित रिजल्ट के बाद मेंस में शामिल उम्मीदवारों को सफल घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद 6103 परीक्षार्थियों में से नाम निकाला गया। पीटी का रिजल्ट 3 बार जारी हुआ था दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर ही है, जिनका मेंस में हुआ है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका दोस्तों मेंस में रिजल्ट निकला है, उनको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका बहुत ही जल्द इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बड़ी न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद जौहर झारखंड।